नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग कक्षा 7 में प्रथम इकाई जिसका नाम है चित्र के संग संग चित्र पाठ का अभ्यास करेंगे। तो इस चित्र पाठ में हमें दो चित्र बताए गए हैं और दोनों चित्र का अवलोकन करके हमको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रथम चित्र का पूरे ध्यान से हम अवलोकन करें तो इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है वो हमें लिखनी है। इस चित्र में एक साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। उसके पास रंग बिरंगी गुब्बारे है और वह हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़िन सब्जी बेचने जा रही है। उसकी टोकरी में सब्जी है और वह गली गली उसकी सब्जी बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। एक दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है और उस रिक्शा में एक ही यात्री दिखाई दे रहा है। रिक्शे के पीछे दो कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और वह शायद ग्राहक का इंतज़ार कर रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो उसका उत्तर हम देंगे, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। हमारा तीसरा प्रश्न है, टायर में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो उत्तर है उसका, जब टायर में हवा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती तब उसमें हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर ठोस बनता है। टायर ठोस बनने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। हमारा चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों बैठ गया है? तो उसका उत्तर हम देंगे, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर बैठ गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। हमारा पांचवा प्रश्न है, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो उसका उत्तर है, कुंजड़िन अपनी सब्जी बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। छठा प्रश्न है, रिक्शे में एक ही पैसेंजर क्यों बैठा है? तो उसका उत्तर आएगा, रिक्शे में एक ही पैसेंजर बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। तो टायर फटने के बाद पहले चित्र से बिल्कुल विपरीत घटनाएं घटी। इस चित्र को ध्यान से अवलोकन करके हम देख सकते हैं कि टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए जिसमें विद्यार्थी मित्रों हवा भरी जाती है उसके नाम। तो गुब्बारे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया आदि।
तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि रिक्शे वाला बाइक से टकराया। तो क्यों टकराया? तो कि बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। चौथा प्रश्न है, टायर फटने पर किन किन पर प्रभाव नहीं पड़ा? तो इस चित्र में हम देख सकते हैं, टायर फटने से रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज़ से डरकर शायद मोची रास्ते पर आ गया।